काम हुई अब हमारा, हमारे पिताजी शिमला में जो कालीबारी हुई थी उसके फाउंडरों मेंबरों में, अच्छा उस समय शिमला कालीबारी बनी थी, अच्छा क्योंकि ये लोग काफी लोग गए थे उसमें, एक जो पिताजी के साहब थे काम करते थे वो शादीशुदा नहीं थे, अच्छा अच्छा कालीबाड़ी, मैं गोरखपुर रहता था वहाँ भी कालीबाड़ी थी, कालीबाड़ी हर जगह होती है, शिमला में कालीबाड़ी है मॉल रोड के पास, अच्छा जी, जबकि शिमला में इतने बंगाली नहीं है किंतु कालीबाड़ी इतना, अच्छा जी, बंगाली जहाँ रहते हैं अपनी कुछ ना कुछ बना डालते हैं, बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा है आज माँ और बेटे साथ साथ बैठे हैं, पुरानी यादों के बारे में बात कर रहे हैं। सक्सेना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अब ये YouTube में पोस्ट कर देंगे, और हम लोग मम्मी आज... हमारी वो है क्या थोड़ी वो है फिर भी देखिए ये भावनाओं का वो कर रहे हैं, मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, मेरा बताए मेरा क्या, क्या पहनी है, साड़ी भी नहीं पहनी है, ये साड़ी भी नहीं पहनी है, देखो बताए ये घर में साड़ी कम बहुत कम पहनती है, ये हमारे परम मित्र लहरी जी और इनकी माता जी, और 94 से हम लोगों का मिलना जुलना है, 94 से, और एक शौक मुझे पैदा हो गया पता नहीं कहाँ से, 7-8 महीने से YouTube, मैं वीडियो तो वीडियोग्राफी का तो शौक मुझे बहुत पुराना है, लेकिन हमको एक शौक पैदा हुआ फोटोग्राफी करने का, सही बात है दोनों को शौक पैदा हो गए, तो लेकिन अब शौक पैदा हुआ फोटोग्राफी करने का, तो विशाल सक्सेना जी को शौक पैदा हुआ यूट्यूबर ब्लॉगर बनने का, तो हम भी यूट्यूबर ब्लॉगर बनेंगे जब रिटायरमेंट होने दीजिए, तो सक्सेना जी के चैनल चैनल को काटेंगे, यूट्यूब पे डालने से मुझे ये लग रहा है कि मेरा उद्देश्य को ये नहीं कि मेरी कोई इनकम हो या ना हो, मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि जो भी लोग हैं इसको देखेंगे, कोई भोले भटके अपना ही कोई देख ले, यारे लहरी की माँ है कि नहीं, कलकत्ते में कोई देख ले तो ये यादें पुरानी हो जाएंगी, यादा ताजी हो जाएंगी, सही बात है। उमा अरे किसी बोल पे अरे पुरानो कथा बोलो, पुरानो कथा ও তোমার ছবি তুলে ইন্টারনেটে দিচ্ছে, ইন্টারনেট টিভি কে উপর দেখেগা, টিভিতে দেখাবো, টিভিতে দেখাও, চলো টিভিতে দেখাও, টিভিতে घूले ऐसे ही टीवी देखा, आज की पोस्ट कर दे, सब सबको माता जी सबको बाय कर दीजिए, हाथ अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले ब्लॉक में।